अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है सब खैरियत से होंगे वेलकम टू जायका मज़ेदार आज शेयर कर रही मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मसालेदार चटपटी बीफ बिरयानी की रेसिपी बहुत आसान है इसको बनाना और अगर आप बीफ में नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इसको मटन में बनाइए लेकिन रेसिपी बिल्कुल फिंगर लिकिंग बन के तैयार होती है आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी वीडियो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तो सबसे पहले बिरयानी के गौरमे की तैयारी कर लेते हैं तो प्रेशर कुकर के अंदर मैंने ये एक किलो के करीब बीफ ले लिया है आप चाहें तो ये मटन में भी रेसिपी बना सकते हैं बस कुकिंग टाइम डिफरेंट हो जाएगा अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट एक टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है और एक टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट डाल दिया है साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ एक टेबल स्पून पीसी हुई हरी मिर्च आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल दें और साथ में हम डालेंगे बिरयानी मसाला डेढ़ टेबल स्पून के करीब मैंने डाला है इसकी रेसिपी मैंने भी कुछ दिन पहले ही चैनल पे अपलोड करी है आप इसको ट्राई कीजिए बहुत ही मज़ेदारी बिरयानी मसाला बन के तैयार होता है एक टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिए थोड़े खड़े मसाले डालेंगे काली इलायची हरी इलायची लौंग काली मिर्च ज़ीरा और दार चीनी एक टेबल स्पून के करीब नमक डाला है मैंने आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिए एक टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है साथ में डालेंगे टमाटर दो टमाटर ले लिए थे मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है और साथ में इसमें डालेंगे दही आधा कप के करीब दही है और ये चार टेबल स्पून के करीब दही बन जाता है तो सारा दही डाल दिया है और इसको जो है सारे मसालों को टमाटर गोश्त को अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे और जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसमें डालेंगे पानी इतना पानी डालेंगे कि गोश्त जो है अच्छे से गल जाए तो आपने जो गोश्त लिया है बीफ का मटन का या फिर जिस पोर्शन का भी गोश्त होता है ना उसके हिसाब से उसकी कुकिंग टाइम थोड़ा डिफरेंट होता है तो उस हिसाब से पानी डालिएगा क्योंकि मेरे पास जो एक गोश्त था ना इसके पीसेस काफ़ी बड़े थे तो इसमें टाइम लगता है कुक होने में तो मैंने इसमें डेढ़ ग्लास के करीब पानी डाल दिया है और सब चीज़ अच्छे से मिक्स कर दी है अब मैंने इसका रेड लगा दिया है एक हाई फ्लेम पे मैंने एक विसल आने का वेट किया था तो उसके बाद फ्लेम को लो करके इसको मैंने आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे पकाया था अब बना रही हूँ मैं एक दही का पेस्ट जो हम बिरयानी की लेयरिंग में यूज़ करेंगे तो आधा कप दही लिया है मैंने उसमें एक टी मैंने डाल दिया गर्म मसाला पाउडर और थोड़ा सा औरेंज फूड कलर डाल दिया था तो इसको अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे अच्छा ये कलर मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें रेड फूड कलर डाल दिया है कलर जो है जितना कम बढ़ती डालना ये टोटली आपकी पसंद के ऊपर है तो ये अच्छा सा कलर आ गया है दही पे क्योंकि बिरयानी बना रहे हैं थोड़ा सा कलर अच्छा लगता है उस हिसाब से मैंने डाल दिया है इसको साइड में रख लेते हैं और देखिए गोश्त जो था ना इतनी देर में अच्छे से गल गया था इसको मैंने चेक किया है ये ऑलमोस्ट जो है ना नाइन्टी के करीब गल चुका है बाकी जो है अभी हम दम पे पकाएंगे इसको तो ये कम्प्लीटली डन हो जाएगा तो इसको साइड में रख लेते हैं और अब बिरयानी के चावलों की तैयारी कर लेंगे बिरयानी के लिए मैंने पानी उबालने रख दिया था इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है पानी में तो अब इसमें डाल दिया है नमक नमक जो है बिरयानी के चावल में थोड़ा सा ज़्यादा जाता है हल्का सा खुला हुआ पानी नमक रखा जाता है पानी में तो उस हिसाब से मैंने इसमें तीन टेबल स्पून नमक डाला है थोड़ा सा तेल डाल दिया है ताकि चावल अच्छे से खिले खिले बने और ये मैंने बासमती चावल लिए थे एक किलो ही चावल है ये और इसको जो है मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे चावलों को जो है ना ऑलमोस्ट हमने सेवेंटी टू एटी परसेंट तक गला लेना है बाकी चावल जो है दम में गल जाएंगे तो तकरीबन सात से आठ मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पे चावलों को उस स्टेज uh, पे पहुंचने के लिए ये देखिए मैंने इसको ढक के पकाया था और चावलों को मैंने चेक किया है ये इसका दाना जो है ना टूट रहा है बहुत ज़्यादा कच्चा नहीं है लेकिन बिल्कुल मशी भी नहीं है तो ये चावल अच्छे से कुक हो चुके हैं तो मैं इनको निकाल के एक छन्नी में निकाल दूंगी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और चावल फिर हम लेयरिंग में यूज़ करेंगे तो सेम पैन में जैसे मैंने चावल बनाए थे ना उसी मैंने ये गोश्त का जो सालन था ना सारा ट्रांसफ़र कर दिया है इस पर डाल दिया मैंने आलू बुखारा और साथ में डाला है मैंने ये टमाटर दो टमाटर लिए थे इनको मैंने स्लाइस कर लिया है टमाटर की लेयर लगा देंगे गोश्त के ऊपर पहले और फिर अब मैंने इसके ऊपर डाल दिए तली हुई प्याज ये मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को फ्राई कर लिया था और इसकी भी लेयर लगा देंगे गोश्त और टमाटर के ऊपर इस तरह से प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिरयानी में और फिर अब डाल देंगे इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पुदीना और नींबू नींबू के स्लाइस भी एक नींबू ले लिया था मैंने इसको स्लाइस करके डाल दिया है मुट्ठी भर धनिया है और मुट्ठी भर ही पुदीना है सब कुछ अच्छे से मैंने फैला दिया है गोश्त के ऊपर और अब इसके ऊपर डालेंगे दही दही जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना गर्म मसाले और कलर का जो दही था ये सारा दही जो है ना हम पुदीने के ऊपर डाल देंगे इससे जो है नीचे जो गोश्त लगेगा भी नहीं दही का जो पानी छूटेगा ना उससे गोश्त लगेगा नहीं और दही के पानी की वजह से जो भाप बनेगी उससे भी चावल जो है ना कम्प्लीटली डन हो जाएंगे सारा दही डालने के बाद जो चावल मैंने छन्नी में निकाल के रखे थे वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है अच्छा आप सोच रहे होंगे मैंने अभी तक तेल यूज़ नहीं कराया जी हाँ मैंने इस रेसिपी में तेल सिर्फ चावल उबालते वक्त ही यूज़ किया था क्योंकि बड़े का गोश्त यूज़ किया है उसमें अच्छी खासी चिकनाई होती है पहले से ही और चावल में उबालते हुए तेल डालते थे तो चावल चिपकेंगे भी नहीं तो ये बहुत ही हेल्दी तरीके से कम ऑयल का कम तेल का बिरयानी की रेसिपी है लेकिन आप इस जिस तरीके से मैंने बताया ना आप ऐसे बनाएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि चावलों में तेल की कोई कमी है लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको तेल डालना है तो ऑफ़कोर्स नॉर्मल बिरयानी में डाला जाता है तो आप आधा कप तेल जिस तेल में आपने प्याज तली है ना वो आप चावलों के ऊपर अब इस पॉइंट पे जब चावल आप सारे फैला दें ऊपर उसके बाद डालिएगा और खुशबू के लिए मैंने इसमें डाल दिया केवड़ा वाटर वन टी के करीब पैन की मैंने लेड लगा दी है और इसको हल्की आँच पर मैंने पंद्रह मिनट के लिए दम पर लगाया था और ये देखिए पंद्रह मिनट बाद बहुत ही अच्छी से इसमें से खुशबू आना शुरू हो चुकी है लिड हटाइएगा मगर चावलों को मिक्स मत कीजिएगा ये आप दो से तीन मिनट बाद मिक्स कीजिएगा ताकि इसकी एक्सेस स्टीम है वो निकल जाए इस तरीके से चावल टूटते नहीं हैं और हल्के हाथ से सारी नीचे का जो बिरयानी का कारमा है उसको चावलों के साथ हल्के हाथ से मिक्स करिए देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है ना मसालेदार बन के तैयार हुई थी तो चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ और ये देखें एक एक दाना बिरयानी का आप देख सकते हैं खिला हुआ है और कितनी मज़ेदार और मसालेदार ये बनकर तैयार हुई है बहुत ही डिलिशियस ये रेसिपी बन के तैयार होती है बहुत आसान है इसको बनाना जैसे कि आपने देखा तो आप इस ईद पर या वैसे भी दावत में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी पसंद आए वीडियो और रेसिपी तो प्लीज़ इसका फीडबैक मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जयका मजेदार को ज़रूर सपोर्ट करें